नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। योगी के अधिकारियों की उदासीनता के चलते बुजुर्ग धनीराम संखवा रोटी के लिए मोहताज, आलू खाकर काट रहा है जीवन। पूरा मामला भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के कस्बा नगर पंचायत अमरौदा का है, जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति उम्र 85 वर्ष धनीराम लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड में जिंदगी की बची हुई सांसें गिन रहा है। कई बार अधिकारियों के यहां कंबल व अन्य सुविधाओं के लिए लगातार चक्कर काट रहा है। हर बार अधिकारी रजिस्टर में नाम दर्ज कर बहुत ही जल्द कंबल व अन्य सभी सुविधाएं देने को कहकर टहलाते हुए नजर आ रहे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? धनीराम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमरौदा। तो अभी तक आपको कोई सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में तो बहुत है, अगर कोई नहीं है। हमारी ना बहन है, ना भाई है, ना बाप है, ना माताई है, कोई नहीं, सब खत्म ही गए। अच्छा, इस समय सर्द रातों में कैसे जीवन काट रहे हैं आप? अब कैसे बेटा, मैं विकलांग आदमी है। चल नहीं पाते हैं आप? ना। तो सरकार तरफ से क्या क्या सुविधा मिली? साइकिल वगैरह मिली क्या? साइकिल तो मिलती है, मशीन वाली साइकिल मिलना चाहिए। अच्छा, भोजन वोजन की क्या व्यवस्था है आपकी? आलू खाकर आना। खाना आना कैसे खाते हैं? आलू भूंज देते हैं। हाँ। और कहूँ मतलब कहूँ रोटी दे जाता तो खा लेते हैं। तो इस समय आपके पड़ोस में रहने वाले लोग आपको भोजन दे देते हैं? हाँ। तो आज क्या खाया आपने? आज आलू खाया है। तो आलू इसी आग में भूजा है क्या आपने? आग ही से भूजा है। अच्छा, तो अब क्या क्या आपकी मांग है सरकार से? आपकी है? सरकार से क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है और कुछ नहीं कि देखो, एक मशीन वाली गाड़ी चाहिए। मशीन वाली गाड़ी चाहिए। तो आपने किस पार्टी को वोट दिया था दादा आपने? हम पहले 20 साल मायावती की पार्टी में रहे। अब जब ये उससे हमें सहायता नहीं मिल रही है, तो हम मोदी से, भाजपा वाले ने कहा कि मोदी से आप पार्टी में वोट दो, हम जो चाहोगे वो हम करा देंगे। तो भाजपा के पार्टी के नेताओं ने आपसे कहा कि मोदी जी को वोट दो, आपको हाँ, लाभ मिलेगा। हाँ। तो लाभ नहीं मिला आपको? अब अभी तो नहीं, हम मांग कर रहे। मगर वोट मोदी जी को दिया था? हाँ दिया था। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता जंग बहादुर की खास रिपोर्ट।